गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 8 एक्सपोनेंट्स चैप्टर करने जा रहे हैं। ये पावर इन एक्सपोनेंट्स नहीं है बच्चों, सिर्फ एक्सपोनेंट्स, क्योंकि सेवन स्टैंडर्ड का मैं कर रही थी ना, तो उनका पावर इन एक्सपोनेंट्स है। आपके क्लास के लिए सिर्फ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो ये पार्ट वन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब ये 3/4 raised to 3, इसका मतलब जो हमारा बेस है वो है 3/4। So, जो नीचे है वो बेस है और जो ऊपर की तरफ है उसे पावर कहते हैं, वो है 3। मतलब ये जो बेस है 3/4, इसे हमें बार बार 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यही है। सो 3/4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27/64। बस इसका मतलब यही है बच्चों। अब यहाँ बेस क्या है बच्चों? बेस है -5.6 और पावर है 2। मतलब हमें जो बेस है -5/6, इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितनी बार पावर हो, मतलब 2 बार। अब बच्चों देखो, बेस में माइनस साइन है और पावर 2 इवन है। अगर माइनस साइन है बेस में और पावर इवन हो तो आंसर प्लस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो अगर 4 होता तो भी आंसर प्लस होता, अगर पावर 6 होता तो भी आंसर प्लस होता, और अगर पावर ऑड होगा और बेस में माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। सो ये आंसर आएगा 5 5 = 25, 6 6 = 36। नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, बेस है -2/3 और पावर है 3। सो अब पावर क्या है बच्चों? ऑड है, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा? क्या प्लस में आएगा? नहीं, माइनस में आएगा। चेक कर लेते हैं, ये जो बेस है -2/3, इसे बार बार कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 times। सो ये हो गया 3 times। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर तो लिख देंगे, अब साइन माइनस ही आएगा। आप ऐसे ही डाल सकते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लीकेशन देखिए बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस ही आएगा। तो ये आपको अगर रूल याद हो तो आप ये साइन डालने में टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। अब ये सम क्या है बच्चों? 2/5, तो बेस हो गया 2/5 और पावर क्या है? 4। इसका मतलब हमें जो बेस 2/5 दिया गया है, इसे बार बार कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। इसी तरह से इसका आंसर 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 5 = 625। अब बच्चों ये हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, अगर बेस पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और बेस नेगेटिव होगा सेकेंड कंडीशन, तो क्या करना है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट कंडीशन, बेस अगर पॉजिटिव हो तो बेस है 2/7, ठीक है, तो इसे कितनी बार हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार, क्योंकि पावर है 2। सो 2 × 2 = 4, 7 × 7 = 49। इस तरह से 2/7 पॉजिटिव है, इसे बार बार कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 times, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 8/3 = 43, 7 7 = 49, 49 7 = 343। अब ये दोनों सम एक जैसे हैं, देखिए बच्चों, ये भी 2/7 है टू द पावर 2, लेकिन ये -2/7 है टू द पावर 2। अब हमने पहले सम में देखा था बच्चों, अगर बेस में नेगेटिव है और पावर इवन है, क्योंकि अभी ये पावर क्या है? 2, और 2 क्या है? इवन। तो आंसर क्या ये और ये सेम होगा? हाँ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इवन की वजह से प्लस होगा। 2 × 2 = 4, 7 7 = 49। तो अब देखिए बच्चों, 2/7 द होल स्क्वायर भी 4/49 और -2/7 द होल स्क्वायर भी 4/49। क्यों? क्योंकि ये इवन था, इवन के वजह से ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब इस कंडीशन को देखते हैं बच्चों, ये भी 2/7 to the power 3 है, लेकिन ये -2/7 to the power 3, मतलब जो बेस है -2/7, इसे हमें कितनी बार 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 मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। लेकिन अब ये जो पावर है ये ऑड है, ऑड है तो साइन क्या आएगा बच्चों? माइनस। क्या हमें करने की जरूरत है माइनस इंटू माइनस? नहीं, हमें पता है अगर इवन है तो माइनस बेस में होते हुए भी प्लस आएगा,
और अगर पावर ऑड है तो माइनस बेस पर होने पर आंसर में माइनस ही आएगा. सो ऑड के वजह से नेगेटिव और इवन के वजह से पॉजिटिव. सो इधर क्या आएगा आंसर, 2 2 4 4 2 8, 7 7 49 49 7 343. अब देखिए बच्चों, ये आंसर और ये आंसर में क्या फर्क है, क्योंकि बेस पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव आया है, यहाँ बेस नेगेटिव है और पावर भी ऑड है, इसके वजह से आंसर नेगेटिव आया. ठीक है बच्चों, सो यही फर्क था इन दोनों सम में. अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों एग्जाम्पल 6 भी करेंगे और ट्राई दिस करेंगे. तब तक के लिए बाय.